हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन के चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरीके के वीडियोस बना रहे हो तो आप लोगों का चैनल अब हो जाएगा मोनेटाइज। पहले क्या होता था, इसमें आप लोगों को इशू आता था रीयूज कंटेंट का, लेकिन अब वो रीयूज का कंटेंट आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि ग्रीन स्क्रीन चैनल आप लोग कैसे बना सकते हो, किस तरीके से आप लोग वीडियो क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने इसमें फुल ट्यूटोरियल दे रखा है, तो आप लोग जरूर देखें। ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा मैंने अगर आप लोगों को बताया कि आप लोग चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो, इसके लिए आप लोगों को दो मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है, इस तरीके से आप लोग चैनल मोनेटाइज करवा पाओगे। तो सबसे पहला है, एज अ बैकग्राउंड आप लोग ग्रीन स्क्रीन को यूज करो। अगर आप लोग देखते हो कि जैसे क्या होता है, कई लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैंने खुद भी बनाई हुई थी, कि सीधा आप लोगों ने फोन पकड़ा और फोन पकड़ते आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन वीडियोस को ओपन करा और उसे क्रिएट कर दिया। उस पर आप लोगों ने जो भी रिएक्शन दिए, ना कुछ बोला ना कुछ वाला, ठीक है, बिना बोले आप लोगों ने उस वीडियो को क्रिएट कर दिया। तो आप लोग ऐसी गलती ना करो जिस वजह से यूट्यूब का एल्गोरिथम कैच कर ले कि आप लोगों ने उस वीडियो में तो कुछ करा ही नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग चैनल मोनेटाइज हो, तो उस ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस को एज अ बैकग्राउंड यूज करो, ना कि आप लोग ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस को मेन वीडियो बना दो। लोग क्या काम करते हैं, मेन वीडियो को ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस को ही बना देते हैं। नहीं, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम कैच करता है कि आप लोगों ने कुछ में चेंजेस किए हैं, लाइक वॉइस, आप लोग उसमें वॉइस डाल रहे हैं अपने, अगर आप लोग वॉइस एडिट करते हो उसके अंदर, तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। वॉइस के लिए कई सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि भाई वॉइस मेरी नहीं आ पाती है ग्रीन स्क्रीन में, आप कैसे करते हो। तो मैं बता दूं भाई, मैं नेकबैंड वगैरह अगर ब्लूटूथ वगैरह आप लोग यूज करना चाहो तो यूज कर लो, उससे आवाज आ जाएगी आप लोगों की। तो दूसरी जो मिस्टेक है वो वॉइस की है। जैसे क्या होता है कि आप लोग ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस को क्रिएट करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, यूट्यूब ओपन करा, कोई भी शॉर्ट सिलेक्ट करी, शॉर्ट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या काम करा, उस पर ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शंस को ऑन किया, ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस के लिए क्रिएट किया। अब आप लोगों ने क्या काम करा, जो वॉइस उसमें चल रही है आप लोगों ने उसी वॉइस पर अपना रिएक्शन दे दिया, ना उसमें आप लोगों ने कोई वॉइस ऐड करी ना कुछ करा। तो अगर आप लोग चाहते हो आप लोग का चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो आप लोग उस वाली मेन वॉइस को म्यूट कर दो। जैसा क्या होता है, कुछ वीडियोज होती है जिसके अंदर खाली ग्राफिक्स पीछे चल रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से कुछ चीजें चल रही होती है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो उसमें अपना रिएक्शन दे सकते हो, आप लोग उसमें कुछ बोल सकते हो, आप लोग उसमें वॉइस डबिंग अपनी कर सकते हो। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो भाई दो चीजों का आप लोग ध्यान रखना। तीसरी बात भाई क्या होती है, सबसे चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने वीडियो में चेंजेस करा है कुछ, तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या कैच करता है कि चैनल मोनेटाइज होने के लिए आप लोगों की क्रिएटिविटी उस वीडियो में होनी चाहिए। अब ग्रीन स्क्रीन वीडियोस में क्रिएटिविटी तो कुछ होती नहीं, ग्रीन स्क्रीन का चैनल है, आप लोगों से क्या करा, वीडियो क्रिएट करी और अपलोड कर दिया। अगर आप लोग ऐसी गलती करोगे तो भाई आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगा। अगर अब भी आप लोगों कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर या नीचे कमेंट पर पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।